नमस्कार। आज हम लोग बनाने वाले हैं बिना किसी स्पेशल मसाले के बहुत ही स्वादिष्ट से छोले। छोले तो आप सभी बनाते होंगे, लेकिन यहाँ पे ना हम कोई स्पेशल मसाला डालेंगे, ना छोला मसाला डालेंगे और ना ही टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। फिर भी ये छोले बहुत ही बढ़िया बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करें। तो छोले बनाने के लिए मैंने 1.5 कप छोटे वाले ये सफ़ेद चने लिए थे, काबुली चने, और इन्हें 7-8 घंटे भिगा के रखा था। अभी देखिए अच्छी तरह से भीग चुके हैं। तो अब सबसे पहले हम इन्हें बॉईल करने वाले हैं। बॉईल करने के बाद हम इसे बना लेंगे। तो बॉईल करने के लिए हमने कुकर में डाल दिए हैं सारे छोले। ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और बिल्कुल सॉफ्ट होने तक इसे पका लेंगे। मतलब 2 से 3 विसिल कर लेंगे हम इसमें मीडियम फ्लेम पे, ताकि छोले अच्छी तरह से गल जाएं। तो बस थोड़ा पानी डाला है जिससे कि छोले उसमें डूब जाएं। इसका ढक्कन बंद करेंगे और बस इसे हम बॉईल होने देंगे। तो यहाँ 3 विसिल हो गई थी मीडियम फ्लेम पे, प्रेशर अपने आप निकलने दिया है और बिल्कुल बढ़िया से ये छोले पक चुके हैं। ये देखिए मैश करके मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट छोले उबल के तैयार हैं। तो इसे पानी से अलग कर लेते हैं और इधर मसाले तैयार करते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज हमने चॉप करके डाले हैं, 6 से 7 लहसुन की कलियां और थोड़े से अदरक के टुकड़े डाल देंगे। और इन सभी को एक साथ थोड़ा सा पानी डाल करके बारीक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। इसके अलावा थोड़े से साबुत सूखे मसाले लिए हैं। 1/2 चम्मच हमने जीरा ले लिया है, 15 से 20 काली मिर्च के दाने हैं, 2 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, 1 छोटी इलायची और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े हैं। तो इन सभी चीज़ों को कूट के इस्तेमाल करेंगे, इससे छोले में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो यहाँ छोले मैंने पानी से अलग कर लिए, बिल्कुल सॉफ्ट है, पेस्ट बना लिया है। मसाले कूट लिए हैं मोटे मोटे और 3 तेज़पत्ते ले लिए हैं, छोटी साइज़ के थे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ। थोड़े से सूखे मसाले यूज करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करें। कुकर में हमने 2 बड़े चम्मच भर के ऑयल डाल दिया। ऑयल अच्छा गर्म है तो इसमें जो हमने तेज पत्ते लिए थे वो डाल देते हैं, और जो कुटा हुआ मसाला है बहुत ही फ्लेवरफुल होता है ये हमने इसमें डाल दिया। इसके क्रैकल होते ही हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। तो ये मसाला बहुत ही सिंपल है लेकिन टेस्ट बहुत ही अमेजिंग देता है, तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिए। अब हमने प्याज डाल दी है। प्याज डाल करके प्याज के गोल्डन होने तक इसे भून लेंगे। तो इसे चलाते हैं और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। झटपट बनने वाली ये छोले की सब्जी है, बिल्कुल कम मसालों में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो प्याज अच्छी तरह से भुन चुका है, हमने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है। इस पेस्ट को डाल करके हम भून लेंगे, अभी बाकी मसाले नहीं डाल रहे हैं। तो प्याज को अच्छे से भुन जाने देते हैं। जब लगभग प्याज भुन चुकेगी तब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज लगभग भुन चुकी है, अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच के लगभग, और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, और 1/2 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च भी पीस सकते हैं पेस्ट में। नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। धनिया पाउडर हम डालेंगे 1.5 चम्मच के लगभग, और इसी के साथ हम इसमें अमचूर पाउडर भी डालने वाले हैं। अमचूर पाउडर से बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, तो 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है। इसकी जगह आप चाट मसाला डाल सकते हैं या फिर इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल करके एक साथ में बिल्कुल बढ़िया सा भून लेंगे। मसाले जितने बढ़िया भुने होंगे सब्जी उतनी ही अच्छी बनेगी, इसलिए इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये मसाले भुन कर तैयार होंगे उसके बाद हम इसमें छोले ऐड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बढ़िया से भुन गए हैं, मसाले बहुत बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें ये उबले हुए छोले डाल देंगे, और साथ में एक आलू हमने लिया है। ग्रेवी इससे बहुत स्मूथ बनती है, तो 1 छोटे साइज़ का आलू ले लिया है और बाकी छोले डाल दिए। थोड़े से 3-4 टेबल स्पून के लगभग जो छोले थे ना उबले हुए, उन्हें हमने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करके वो छोले भी हम यहाँ डालने वाले हैं ग्रेवी के लिए। तो पहले हम 2 मिनट इन छोलों को मसालों के साथ में भून लेते हैं, और उधर मैं ये दिखा देती हूँ छोले जो मैंने बताया 3-4 चम्मच के लगभग मैंने मोटे मोटे से हल्का सा ग्राइंड कर लिए हैं। ये भी हमारी ग्रेवी को बहुत ही बढ़िया टेक्सचर देने वाले हैं, इसलिए हम इसे यूज करें। तो पहले छोले भून लेंगे, जब ग्रेवी हम इसमें डाल देंगे, पानी डाल देंगे, तब हम ये छोले इसमें डालेंगे।
तो यहाँ 2 मिनट के लिए हमने छोलों को मसालों के साथ में भून लिया है और अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पानी आप कितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं, पर थोड़ी सी ग्रेवी आप यहाँ रख सकते हैं क्योंकि इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए हमने छोले और आलू लिए हुए हैं, इससे इसकी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनने वाली है। तो हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है 1.5 गिलास के लगभग और इसे बॉयल होने देते हैं। और यहाँ जो हमने ग्राइंड किए थे छोले वो भी इसी स्टेज पे डाल देंगे, डाल करके मिक्स करेंगे और इस छोले को बॉयल होने देंगे, फिर इसका ढक्कन बंद करेंगे। तो ये आलू और ये ग्राइंड किए हुए छोले, ये दोनों ही चीज़ें इसकी ग्रेवी को बहुत बढ़िया टेक्सचर देंगे और सब्जी को टेस्ट भी बढ़ाएंगे। तो अभी इसमें बॉयल आने लग गया था, अब हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर रहे हैं। वैसे ये ऑप्शनल है पर इससे टेस्ट अच्छा आता है, तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दें, 1/4 चम्मच इसलिए क्योंकि घर का बना हुआ बहुत तेज़ गरम मसाला है, बाज़ार वाला आप 1/2 चम्मच कम से कम ज़रूर डालें। तो बस दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है, इसका ढक्कन बंद करेंगे। एक विसिल करनी है इसमें बस मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि छोले भी पके हुए हैं अच्छी तरह से। तो एक विसिल हम इसमें लगा लेंगे ढक्कन बंद करके, प्रेशर निकलने देंगे और बस छोले बनके तैयार होंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितना बढ़िया कलर आया ना, बहुत ही बढ़िया से छोले बनके तैयार हो गए। और अब ये जो आलू था इसे भी हम इसी में फोल्ड करके मिक्स कर देंगे ताकि ये जो ग्रेवी है ना बहुत ही बढ़िया स्मूथ सी बन के तैयार हो जाए। और ये परफेक्ट से हमारे छोले बन करके तैयार हैं। तो इसे हम धनिया पत्ती या कसूरी मेथी से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे और सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया से छोले बने हैं ये। तो कसूरी मेथी हम इसमें डाल देते हैं, मिक्स करते हैं और सर्व कर लेते हैं फटाफट। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी पसंद आएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे निकाल लिया है सर्व करने के लिए और एक तड़का लगा देते हैं घी, जीरा और लाल मिर्च का। इस तरह से फटाफट से हमने घी अच्छा गर्म कर लिया था, उसी में जीरा और मिर्च डाली है और बस ये देखिए बहुत बढ़िया सा इससे टेस्ट आ जाता है छोले में। वैसे नहीं डालेंगे तो भी बहुत ही अच्छा बना है छोला, लेकिन अगर तड़का डालेंगे तो इसमें और भी मज़ेदार टेस्ट आ जाएगा। और आप देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट सा छोला बना है, बिल्कुल बढ़िया स्मूथ ग्रेवी बनी है। कोई छोला मसाला नहीं है, टमाटर नहीं है, ना कोई स्पेशल मसाला है, फिर भी ये छोले बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। तो इसे एक बार मेरे तरीके से आप भी बना करके ट्राई कीजिए, आप सबको भी बहुत पसंद आएंगे। और ये देखिए मैंने इसे प्लेट में सर्व करने के लिए निकाला था ना, इसे आप पास से देख सकते हैं कितने बढ़िया दिख रहे हैं ना, बहुत यम्मी बने। तो इसे बनाइए, खाइए, रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।